मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा, मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। ये तो जाहिर है मीर का उस्तादाना असलूब और उनका मखसूस लहजा। लेकिन सैयद मोहम्मद जाफरी जब सैलाब जदगान और जो सैलाब से मुतासिर लोग होते थे उनकी हालत देख के जब उनको दुख और तकलीफ़ होती थी तो वो माशरे की आंखें खोलने के लिए अपने तंज की बारीकी से उनको चुभोते थे और उनकी आंखें खोलने की कोशिश करते थे। तो ज़रा उनके लतीफ़ तंज की ज़रा ये सूरत देखिए। इनकी एक नज़म है जिसका उन्वान है सैलाब और हम। आइए खुलकर ज़रा सैलाब की बातें करें, ज़ाहिरन हम इसके सद्दे बाप की बातें करें, घर में लेकिन रेशमों कम ख्वाब की बातें करें, यानी अपनी बेहिसी के ख्वाब की बातें करें। गौर करना चाहिए क्या चोर बाजारी करें, कितनी महंगाई बढ़ाकर मर्दों आजारी करें। अब सद्दे बाप का मतलब तो होता है कि किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम को मिटिगेट करना, और ज़ाहिरन हम उसके यानी ऑस्टेंसिवली वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड। और बेहिसी के ख्वाब मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। दूसरा इसका बंद है कि हो चुकी हैं गरचे इस सैलाब से फसलें तबाह, हो चुकी हैं गरचे इस सैलाब से फसलें तबाह, पर गुज़िश्ता साल की फसलों का मैं हूँ सरबरा। है हमारे दिल की क्या बाजार है पूरा स्याह, है हमारे दिल की क्या बाजार है पूरा स्याह, ब्लैक मार्केटिंग। मैं ज़खीरा बाजियों में ढूंढ लेता हूँ पना, मैं ज़खीरा बाजियों में ढूंढ लेता हूँ पना, आबरू जिससे बढ़ी मेरी वो महंगाई भी है, आबरू जिससे बढ़ी मेरी वो महंगाई भी है, गरचे मेरे पास से दौलत गई आई भी है। तो ये दो बंदों का नमूना है उनके तंज का, और ज़ाहिर है उनकी उनको जो तकलीफ़ हुई सैलाब से मुतासिर लोगों को देख के उनकी ज़िंदगी में। बहरहाल इस वक्त मौका ये है कि शेर व शायरी हमको किस तरीके से स्टिमुलेट करती है टू टेक एक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है इस वक्त। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अब तो पाकिस्तान में बहुत से इदारे, इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज ऐसे हैं जो कि बहुत क्रेडिबल और बाएतबार हैं। उनके अंदर ख़ास तौर पर द सिटीज़न फाउंडेशन TCF है, और भी इदारे हैं, अख़ुव्वत फाउंडेशन है, शाइन ह्यूमैनिटी है, और आपकी भी नज़र में होंगे ऐसे जिन पे आपको भरोसा है। मैं तो डोनेशन के बारे में वो कहता हूँ जो कि लोग अक्सर इलेक्शन के बारे में कहते हैं, कि इमदाद जल्द देनी चाहिए और बार बार देनी चाहिए। यू शुड डोनेट अर्ली एंड डोनेट ऑफन। बहुत शुक्रिया।